चीजें अगर इस तरीके से पीसफुली ठीक हो रही है तो जाने दो उसको कोई दिक्कत नहीं है उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना सस्ता मत कर दो कि यार मुझे एक क्लोजर तो दे दो प्लीज सॉर्ट आउट तो कर लो आपको जाना है तो बोल के जाओ वो जा चुके वो अपनी जिंदगी जी रहा हो और आप वेट कर रहे हो अभी तक क्लोजर का मेक्स नो सेंस मेरी बहन प्लीज एवरीबॉडी दिस इज नी एंड वेलकम टू माय आस्क सीरीज एक सवाल है किसी व्यक्ति का इज़ अ क्लोजर नीडेड इफ समवन सडनली स्टॉप स्टॉकिंग एंड नॉट गिविंग अ चांस टू सॉट इट आल्सो इन्होंने सवाल किया है कि किसी रिलेशनशिप को क्या क्लोजर की ज़रूरत है अगर कोई मुझसे अचानक से बात करना बंद कर दे और मुझे एक मौका भी ना दे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ तो क्या मुझे उस क्लोजर का वेट करना चाहिए कि वो आकर मुझसे बात करे और हम ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को एंड करें बात करके इसका मुझे सिंपल सा एक सोल्यूशन ये समझ में आता है कि यार आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में थे वो एक या तो बेवकूफ कायर व्यक्ति है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही घटिया है राइट सबसे पहली गलती तो आपकी है कि ऐसे बेकार कम्युनिकेटर से आप रिलेशनशिप में आए ही क्यों जिसको बात करना नहीं आता कम्युनिकेशन करना नहीं आता दूसरी चीज कभी कभार चीज़ों का क्लोजर ऑफिशियली होना जरूरी नहीं है कंपल्जन मत क्रिएट करो कि यार क्लोजर होगा तभी हम ऑफिशियली इस चीज को एंड कर पाएंगे नहीं समटाइम्स पीपल जस्ट चूज टू वॉक अवे यू नो हो सकता है आपके अंदर कुछ दिक्कतें हो कि अगर वो बात करने आए भी तो भी आप शायद समझने की क्षमता नहीं रखते हो उसकी नज़र में उसके परसेप्शन में आपकी यू नो इमेज ये है शायद कि यार मैं इसको समझाना चाहूँगा तो भी ये समझेगी नहीं इतनी मेहनत कौन करे इतना बेजामारी क्यों करे राइट ये स्टेटमेंट्स लोग यूज करते हैं मुझे पता है इसलिए कह रहा हूँ तो ये दो चीजें हो सकती या तो एक बहुत ही बेकार कम्युनिकेटर है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है जिसको एक्सप्लेन करना नहीं आता जिसको चीजें सॉर्ट आउट करना नहीं आता या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका परसेप्शन उसके दिमाग में ये है शायद हो सकता है कि आपके पास्ट इंस्टेंसेस कुछ रहे होंगे कि यार जहाँ पर उसने आपको कुछ समझाने का ट्राई किया होगा और आप शायद नहीं समझोगे आपने शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई होगी राइट मच्य तरीके से डील नहीं किया होगा इसीलिए

आपको दे चुका होता ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेट कर चुका होता बट आपको वो शायद उस नज़र से नहीं दिखता है कि यार ये इतनी समझदार है या फिर मैं इससे बात करूँ तो समझेगी नहीं समझेगी राइट right? आपकी इमेज वैसी है उसके दिमाग में दूसरी चीज यहाँ तो वो बहुत ही बेकार कम्युनिकेटर है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना नहीं जानता एक्सप्लेन करना नहीं जानता मोस्ट मोस्ट कॉमनली ये होता है कि जब लोग ऑफिशियली क्लोजर देने जाते हैं तो चीज़ें और बिगड़ जाती है राइट तो कभी कभार आप दोनों की मेंटल पीस के लिए एक ऑफिशियल क्लोजर होना जरूरी नहीं है कंपल्जन मत क्रिएट करो अनलेस अनलेस कोई लीगल यू नो लीगली डिक्लेयर्ड रिलेशनशिप है लाइक like मैरिज अगर सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स तो उसमें कंपल्जन मत क्रिएट करो कि एक ऑफिशियल क्लोजर जरूरी है नहीं है चीजें अगर इस तरीके से पीसफुली ठीक हो रही है तो जाने दो उसको कोई दिक्कत नहीं है उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना सस्ता मत कर दो कि यार मुझे एक क्लोजर तो दे दो प्लीज सॉर्ट आउट तो कर लो आपको जाना है तो बोल के जाओ वो जा चुके वो अपनी जिंदगी जी रहा हो और आप वेट कर रहे हो अभी तक क्लोजर का मेक्स नो सेंस मेरी बहन प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत करो किसी के लिए इतना सारा वेट करके उसको देना होता तो दे देता द फर्स्ट प्लेस राइट वेट करने का सेंस नहीं है यू नो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर आप व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन माई क्यू एन ए सेशन एवरी सैटरडे में करता हूँ इंस्टाग्राम पर हर शनिवार हम करते हैं क्यों इन्हें स्ट्रीम्स करते हैं लाइव स्ट्रीम भी करते हैं और क्यों इन्हें सेशंस भी करते हैं जहाँ पर ऑडियंस में से कुछ लोग सवाल पूछते हैं और मैं <coughs> उन चीज़ों के मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आंसर करता हूँ जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है राइट right? सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी अपॉन माई इंस्टाग्राम फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल एट द रेट यश तुलसिया आई एल सी द नेक्स्ट वन हंड देन दिन रिमेंबर कीप शाइनिंग